हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए प्रोडक्ट को लेकर। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैस्टर ऑयल का। आपको मालूम ही होगा कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही जाना माना सर्जिकल प्रोडक्ट है। अगर आप हेयर लॉस से गुजर रहे होगे या फिर आपकी हेयर बहुत थिनिंग हो चुकी है, उसको ठीक बनाने के लिए या फिर ब्यूटीफुल बनाने के लिए और डैंड्रफ से भी कैस्टर ऑयल बहुत ही ये मतलब फ़ायदेमंद पता चलता है। और एक ऑयल है मार्केट में जिसका नाम है लेवेंडर ऑयल, वो भी बहुत काम करता है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कैस्टर ऑयल की। तो जो मैं बात कर रहा था हेयर ग्रोथ की, हाँ, तो अगर आप कभी भी हेयर लॉस के प्रॉब्लम से गुजरते होंगे तो आपने कैस्टर ऑयल का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, और आप जाए ऑब्वियसली गए होंगे अमेजोन या फिर कहीं पर भी सर्च करने के लिए कैस्टर ऑयल के बारे में। तो ये जो है, ये कैस्टर ऑयल जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये है रे नेचुरल ब्रांड का। तो जो इसका जो प्राइस है वो अमेज़ॉन में था 190 और फ्लिपकार्ट में था 175। तो जैसे कि हमारे ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदने की, तो अब मैंने भी ऑब्वियसली से फ्लिपकार्ट से ही खरीदी। तो मुझे वहाँ पर कुछ डिलीवरी चार्जेस पड़ी और 200 के अंदर मुझे मिल गई। एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है MRP 300, पर वहाँ पे 175 था, ह्यूज डिस्काउंट मुझे लगा। जो ML है वो है 200 ML, तो 200 ML मुझे पड़ा था 200 रुपीज़। तो इतना महंगा नहीं है ये रे नेचुरल। बाकी आप अगर कैस्टर ऑयल देखेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कुछ कुछ तो 1000 में भी मिल रहे थे वहाँ पे। तो और इसके रिव्यूज़ भी उतने नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी रिव्यूज़ है, शायद से 4.4 पॉइंट के ऊपर ही था रिव्यूज़, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जो इसके इंग्रेडिएंट्स वो है 100% प्योर हाई ग्रेड कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल, एंड बस यही एक जो है मेन चीज़ है इसका मेन इंग्रेडिएंट। और फिर यहाँ पर दिया गया कि ये कैसे डिफरेंट है, ये अनरिफाइंड है, कि आपको मालूम होगा रिफाइंड जो सब प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर जो है वो है अनरिफाइंड और केमिकल फ्री है, टेक्सचर फ्री है, और यहाँ पर विटामिन ई और मिनरल रिच है। विटामिन ई तो हमारे हेयर के लिए मतलब वरदान से कोई कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है विटामिन ई। तो आपने सुना होगा एवियन टैबलेट्स के बारे में, वो भी विटामिन ई से भरपूर होता है, जो कि इसके हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे हेयर्स को स्मूथ टेक्सचर देते हैं और थिक भी बनाती है। तो अगर आपकी कोई भी हेयर प्रॉब्लम है, कैस्टर ऑयल यूज़ करके देखिए, 1 वीक में 3 to 4 टाइम्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और इसका जो ग्रोथ होगा मतलब रिजल्ट आपको धीरे धीरे शो होगा, लेकिन शो ज़रूर होगा। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी और इसे रेगुलर यूज़ करते जाना होगा, और मिनिमम आपको करीबन 2-3 महीने तो आपको यूज़ करना ही होगा। इसका जो स्मेल है वो एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी स्मेल है, जैसे कि डेयरी मिल्क वगैरह में जो कोकोआ यूज़ होता है उससे जो चॉकलेटी स्मेल आती है, एक टाइप की फ्रेगनेंस, वो बहुत ही अच्छी लगती है जब आप इसे हेयर में अप्लाई करेंगे। तो करें इसका जो कलर जो ऐसे दिख रहा है बाहर से, इसका जो वाइट बॉटल है तो अंदर जो कलर दिख रहा है वो एकदम वैसा ही है। ग्रीन, आप जानते होंगे ग्रीन का, ग्रीन सिग्नल का मतलब है वेजिटेरियन। तो वैसे भी हम इसे खाने तो है वाले हैं नहीं, लेकिन तब भी अगर किसी भी आपको रिलीजियस टाइप की, अगर आप थोड़ी भी पायस है और बहुत रिलीजियस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप बिल्कुल सेफ है अगर आप वेजिटेरियन है तो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन साइन है। ओके, तो और एक मैं बात बताना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये जो कैस्टर ऑयल इसका जो टेक्सचर है वो अगर आप मस्टर्ड ऑयल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सिमिलर है दोनों की टेक्सचर, बहुत ही हैवी टेक्सचर। तो हमारे जो हेयर के स्कैल्प होते हैं उसमें एब्जॉर्ब होने में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इतना हैवी टेक्सचर है तो बहुत टाइम भी लगता है। तो इसीलिए कैस्टर ऑयल है, उसके साथ रिकमेंडेड है कि आप कोई कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, वो पैराशूट का हो सकता है, शालीमार और भी। और ये जो है ये तो मेरे लिए करीब 1 महीने चली जाएगा आपका ये बॉटल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।